नमस्कार। आए दिन संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से समाज द्वारा कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका जवाब सुनने की उत्सुकता हर किसी के मन में होती है। आज के इस वीडियो में हम समाज के मन में उमड़ते प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से अक्सर पूछे जाने वाले वह पांच प्रश्न कौन से हैं। सबसे पहला प्रश्न, अगर तेरा गुरु संत रामपाल जी भगवान है तो फिर जेल में क्यों बंद है? यह सच है कि जेल शब्द अगर किसी के चरित्र से जुड़ जाता है तो जेल भोग रहे इंसान को दोषी समझा जाना लाजमी है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जेल जाना कभी कभी मानव कल्याण का उद्देश्य भी बन जाता है। अगर जेल में जाने वाला हर व्यक्ति गुनहगार है तो फिर जेल में तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी गए थे। गांधी जी के जेल जाने से उनके चरित्र पर उंगली नहीं उठाई गई थी, बल्कि उस घटना को अन्याय के खिलाफ और मानवता की भलाई के लिए जनता द्वारा एक कड़ा संघर्ष समझा गया था। श्री कृष्ण जी का तो जन्म ही जेल में हुआ था, लेकिन उन्हें तारनहार कहकर पुकारा गया। जन कल्याण के निमित्त किए गए संघर्ष वाले स्थान को भी आस्था का केंद्र मान लिया जाता है, और यही वजह है संत रामपाल जी महाराज के सर्व अनुयायी जेल को जेल नहीं बल्कि जेल धाम कहते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी के जीवन का मूल उद्देश्य वेद शास्त्रों से प्रमाणित सद्भक्ति देकर भक्त समाज को निहाल करना है और नकली धर्म गुरुओं के छलावे से अवगत कराकर अंधभक्ति से मुक्त कराना है, और इस प्रयास से नकली गुरुओं के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा था। जब इन नकली संतों के नकली ज्ञान की दुकानें बंद होने लगी तो संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ साजिशें होने लगी और उन्हें जेल में डाल दिया गया। एक छोटा सा आश्रम था, इन दुष्टों को सुहाया नहीं, क्योंकि इनके अज्ञान की खाल उतार दी दास ने। इनसे भी आचार्यों की, शंकराचार्यों की, जितने भी मंडलेश्वर थे, ये डुप्लीकेट आदमी है, इनके पास तत्व ज्ञान नहीं है। लेकिन ये दुष्ट लोग हैं जो आचार्य है, उन्होंने ये सोचा कि इस सच्चाई का पता लग गया, सारे रामपाल के पास चले जाएंगे, इनका कल्याण हो जाएगा, तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी, ये उद्देश्य लेकर उन्होंने दोनों ढा दिया। तो ये लोग कभी तैसी नहीं हो सकते, आज तक नहीं हुए ये लोग स्वार्थी। अरदास ने परमार्थ में शीश दे रखा है, जेल चाहे जान जाओ, जेल की तो बात क्या है, पर इसको ऊपर लाकर छोड़ूंगा, मालिक का साथ दास के है, सच्चाई को ऊपर लाऊंगा, पूरा विश्व कल्याण होगा। समाज द्वारा पूछे जाने वाला दूसरा प्रश्न है, संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म के खिलाफ क्यों है? संत रामपाल जी महाराज किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, क्योंकि उनका कहना है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इस वाणी से यह सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुसार धर्म सिर्फ एक है, वो है मानव धर्म। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। तीसरा प्रश्न है, संत रामपाल जी महाराज खुद को भगवान क्यों कहते हैं? वह खुद की पूजा करने को क्यों कहते हैं? आखिर क्यों तुम लोग एक इंसान को भगवान बना रहे हो? गुरु हमेशा भगवान के तुल्य होते हैं। कबीर परमात्मा जी अपनी वाणी में कहते हैं, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे होय पार, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। शिष्य चाहे किसी भी गुरु का हो, अपने गुरु को हमेशा भगवान के तुल्य ही मानता है। रहा सवाल इस बात का, संत रामपाल जी महाराज खुद को भगवान क्यों कहते हैं, तो दोस्तों एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि संत रामपाल जी ने कभी भी खुद को भगवान नहीं कहा, बल्कि वह तो खुद को कभी भगवान का दास कहते हैं। अपना तो एक सीधी सी बात है, ये दास परमात्मा ने भेज दिया, तो दास वो परमात्मा नहीं है जिसकी आपको चाह है, लेकिन इस दास को एज ए गॉड ना मानोगे, भगवान की तरह नहीं मानोगे, तो वो भगवान नहीं मिल सकता। अब जैसे एक गणित का एक प्रॉब्लम आती है, गणित में एक प्रश्न आता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, बाकी दर भी टाइम भी सारा कुछ दिया होता है, तो उस मूलधन तो अरबों खरबों में होता है, अरबों खरबों का अमाउंट कई करोड़ रुपए का होता है,
तो उस कई करोड़ अरब खरब के मूलधन को जानने के लिए आपको मानना पड़ता है, सपोज मूलधन इज 100 रुपीज, जो मूलधन है वो 100 रुपये, मान लो मूलधन 100 रुपये मानकर हम सवाल निकाला करते, प्रॉब्लम हल करते थे, तो वो प्रश्न का हल ऐसे ही होगा, ना हो ही नहीं सकता। लेकिन वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन वो मानना पड़ेगा, तब उससे वो दर निकलेगी और उसके बाद फिर कैलकुलेशन करके हम निकालते हैं। वो ओरिजिनल मूलधन तब प्राप्त होता है, तब हम सफल होते हैं। इसी प्रकार आप जी ने इस दास को मानना पड़ेगा, मान लो रामपाल भगवान, रामपाल वो भगवान नहीं है, समाज में पूछे जाने वाला चौथा प्रश्न है, तेरे गुरुजी कोई चमत्कार करके जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते? संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के दौरान बताते हैं कि जो संत चमत्कार करता फिरे वह संत नहीं होता, क्योंकि तप से सिद्धियां हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, चमत्कार भी सिद्धियों से होते हैं, जिससे जनता को सिर्फ आकर्षित किया जा सकता है और भीड़ इकट्ठी की जा सकती है, जो कि मोक्ष मार्ग में बाधक है। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज यह भी बताते हैं कि वो संत संत ही क्या जो चमत्कार ना कर सके, जरूरत पड़ने पर जो संत चमत्कार नहीं कर सके वो भी संत नहीं होता, आवश्यकता पड़ने पर तो सच्चा सद्गुरु असंभव कार्य को भी संभव करके दिखा देता है। संत रामपाल जी महाराज का जेल जाना दुनिया के लिए एक घटना हो सकती है, लेकिन यह भी सच है कि संत रामपाल जी महाराज खुद अपनी मर्जी से जेल गए हैं और अपनी मर्जी से ही बाहर भी आएंगे, क्योंकि यह सब कबीर परमात्मा की लीला है जिसमें समस्त जनसमूह का हित छुपा है। जिस दिन संत रामपाल जी महाराज ने अपनी लीला समेट ली, उस दिन संत जी अपनी मर्जी से पलक झपकते ही जेल से बाहर होंगे। संत जो होते हैं चमत्कार नहीं दिखाते, और भाई वो संत भी नहीं जिससे कोई चमत्कार नहीं हुआ, यानी संत नहीं है जो न्यू कह चल तेरे न्यू कर दूंगा, तेरे छोरे हो जाएंगे, तू सेठ बन जाएगा, ये इस तरह की बकवाद वो जंतर मंत्र करने की नहीं देता। और वो संत भी नहीं जिससे दुख दूर ना हो, जिससे चमत्कार ना हो, यानी ऐसे अचंभित करने वाले सुख प्राणी को ना हो, तो वो संत भी नहीं है। परमात्मा कहते हैं धर्मदास जी, यहाँ काल ने घना ज्ञान फैला दिया, और जय मैं ऐसे सुख ना जो चमत्कार ना करके दिखाऊं, दिखाते नहीं, उनकी वचनों से उनके वैसे हो जाते हैं बगैर किए ही। तो जब तक ये पुण्यात्मा मेरी शक्ति से प्रभावित नहीं होंगे, तब तक ये काल के जालते उल्टे नहीं हट सकते। पांचवा प्रश्न है, संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा क्यों छुड़वाते हैं? संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते, बल्कि भक्ति की सही विधि देकर एक पूर्ण परमात्मा कबीर जी की भक्ति करने को कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कभी किसी देवता का अनादर नहीं किया, बल्कि इनका सम्मान करने के लिए कहा है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री पूजा तो अपने पति की करती है, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों का सम्मान भी करती है। चूंकि सभी देवी देवता प्रारब्ध के फल में कोई फेर बदल नहीं कर सकते, ये खुद विधि के विधान से बंधे हुए हैं, लेकिन पूर्ण परमात्मा कबीर जी समर्थ भगवान है, जो प्रारब्ध को क्षमा करने की क्षमता रखते हैं। और यही कारण है लोगों की भौतिक आत्मिक शारीरिक समस्याएं खत्म हो रही हैं, जिस वजह से रोजाना हजारों लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर भक्ति कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश तथा अन्य देवी देवताओं के मंत्र भी प्रदान करते हैं, जो कि इन तीनों लोकों में मिलने वाली सुविधाओं का लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन यह लाभ यहीं तक सीमित है। पूर्ण मोक्ष के लिए अर्थात जन्म मरण के भारी रोग से छुटकारा पाने के लिए तो पूर्ण परमात्मा कबीर जी की भक्ति करने का संकेत किया है। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं, हम कोई बालक है? परमात्मा कबीर जी आदरणीय गुरुदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे, वह सब सतीथि से परिचित करा कर ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित करा कर वापस छोड़ दिया। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरु जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं, हम कोई बालक है? अगर आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर विस्तृत में चाहिए तो आपको ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ना होगी, जिसे पढ़ने के बाद आपके सारे संशय स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए साधना टीवी पर रोज शाम 7:30 बजे संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन जरूर सुने।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें। हम फिर मिलेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।